अज निरे जोकर मैं वेख रहा उतों को गोल्डी बराड़ को लंडा को बंडा को मतलब एवें बयान छिटदा की आता उतों हिम्मत आता इतने आओ भाई उतों बयान दादा यदि जिम्मेवारी मैं लै ली जिम्मेवारी मैं लै ली मजाक बनाया यार कानून का तुम हिंदू सिख भाईचारा पंजाब च अमन शांति कानून चाहता भाईचारिक सान चाहता ये एक दूजे नाल सुख दुख दे भाईवाल ने और उस नू नवी रंगत देनी ये आप दी सरकार च वेखण नू मिल रहा टोटल कलैप्स है जी लॉ एंड ऑर्डर का ये बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट च नैशनल सिक्योरिटी नू बरकरार रखना एक इलैक्टेड मुख्यमंत्री की वड्डी जिम्मेवारी है पिछले 6 महीने चो जदों की सरकार 6-7 महीने चली है तुहाडे सामने है चाहे वो नहीं जी सिद्धू मूसे वाले केस तो पहला जिहड़ा पटियाले काली देवी मंदिर का जो हादसा होया सी किवें उसनू एक हिंदू सिख रंगत दे के उन्हों आउट ऑफ कंट्रोल करके उस तरह जो पुलिस की जो फेलीयर सी जो सरकार का फेलीयर सी साढ़े सामने आ हिंदू सिख भाईचारा पंजाब च अमन शांति कानून चाहता भाईचारिक सान चाहता ये एक दूजे नाल सुख दुख दे भाईवाल ने और उस नू नवी रंगत देनी ये आप दी सरकार च वेखण नू मिल रहा जो 80 दे समा सी उन्हां समय नू मुड़ याद दिलाउण दी गल कर रहे हैं उस तो बाद सिद्धू मूसे वाले दी सिक्योरिटी विड्रॉ करनी सीएम हाउस आप उन्हों एडवरटाइज कर रहे हैं 2 दिन च उहदा ब्रॉड डे लाइट मर्डर हो रहा अज तक की होया उस तो बाद टीनू वर्गे होर जिहड़े ने शरेआम कहिंदे असीं तां भज्जण आ भज्ज गए पुलिस वाले उन्होंने पार्टियां करा रहे हैं डीजे ते ले जा रहे हैं डिस्को करा रहे हैं की कुछ नहीं करा रहे तो मुख्यमंत्री साहब की किया मुख्यमंत्री साहब ने 0 उस तो बाद जो हालात बने हैं रोज़ चाहे वह बाहर बैठे गैंगस्टर अज निरे जोकर मैं वेख रहा उतों को गोल्डी बराड़ को लंडा को बंडा को मतलब एवें बयान छिटदा की आता उतों हिम्मत आता इतने आओ भाई उतों बयान दादा यदि जिम्मेवारी मैं लै ली जिम्मेवारी मैं लै ली मजाक बनाया यार कानून का तुम कोई देश च कानून है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ संविधान उस संविधान के अधीन हो तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करनी थोड़ी जिम्मेवारी है देश नू सूबे नू उन्हां दे नागरिक नू प्रोटेक्ट करना साडी जिम्मेवारी है सरकार की और सरकार की कर रही है जिथे पीस नहीं जिथे कम्यूनल हारमनी नहीं फिर उत्थे प्रोस्पैरिटी आ सकती कदे तरक्की आ सकती अज इन्वेस्टर तो भजी जांदा हर डॉक्टर नू हर प्रॉपर्टी डीलर नू हर वकील नू माड़ा जिहा वी सहिंदा बिजनेसमैन होवे उहनू सवेरे फरौती का फोन आ जांदा उह डरदे थाने नहीं जांदा फरौती दे आंदा ये हालात बने पे हू इज रिस्पोंसिबल होम मिनिस्टर तुसीं भावरे नू बदलता की प्रॉब्लम सॉल्व होई प्रॉब्लम नॉट लाइज विद द पुलिस अलोन प्रॉब्लम लाइज जिहड़े इन्हां नू अपॉइंटिंग अथॉरिटी है विच इज़ भगवंत मान रंगला पंजाब बनाउण चले सी खूनी पंजाब बना छड्डिया ऐसी तां असी फिर छड्डी है पंजाब दीआं एवें फजूल दीआं गल्लां लोग सवेरे शाम नू इक थ्रैट चढ़ा रहा सवेरे उहनू गड्डी चाढ़ रहा 20-20 गनमैन ने देखो जो अमृतसर च भी होया मैं उस इलैक्शन लड़ी आ उत्थों जिथों ये सुधीर सूरी की डैथ हुई है मैं वो परिवार नाल दुख सांझा जरूर करना मगर मैं सुधीर सूरी नाल कदे सहमत नहीं सी ना उहदी बोलबानी नाल उहदी भाषा नाल ना उहदी सोच नाल जे सलके चों मैं इलैक्शन लड़िया सीगा मैं डोर टू डोर करिया जब मैनूं पता लग्या उहदा घर है मैं उत्थे वोट मंगण नहीं गया क्योंकि मैं नहीं सहमत इहो जे बंदिआं नाल 2-4 होर भी ने उधरले पासे भी ने हर धर्म च ने इहो जे लोग भाई तुसीं एक्शन क्यों नहीं करते तुसीं की चाहुंदे इहनां नूं हवा दे दे माहौल खराब कराउणा तुसीं जदों माहौल खराब हो गया जदों एक धर्म का बंदा दूजे धर्म का वैरी हो गया फिर इतने हालात वह जो बन गए दैन यू विल वेकअप दिस इज अ वेकअप कॉल जो कुछ हो रहा पंजाब च फिर लोगों को दियो जी जिन्हां नूं तुसीं दे रहे हो तो 25 गनमैन देते थोड़ा तो कुछ नहीं हो रहा की तुसीं करना चाह रहे हो इट्स अ कोलैप्स जी मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर होंदा कोलैप्स होंदा ये बद तो बदतर वाली स्थिति हो खड़ी है द मुख्यमंत्री इज अ जोकर इज अ लाफिंग स्टॉक ही नॉट इनकेपेबल परसन है मतलब
ਆਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਲਾਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਝੀਂਗੜਾ ਫਲਾਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਪੇੜ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਭਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ੈਂਬਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਧੱਕੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਗਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ